भगवान रामलला ने उद्धार किया था, उसी तरह से 1990 से रखे रामलला के पत्थरों का उद्धार करने का वक्त अब आ गया है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण काम चल रहा है और 1 जून को रामलला के गर्भगृह के प्रथम शिला की पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी और संघ परिवार से जुड़े लोग तथा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए संत महंतों की मौजूदगी में किया जाएगा। रामलला गर्भगृह के पत्थरों में तराशी का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तलाश कर रखे गए रामलला के मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों पर अब मंदिर के गर्भगृह के पत्थरों को अलग किया जा रहा है, जिस पर 50 से ज्यादा कारीगर रात दिन तराशी का काम कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही भूमि पूजन के बाद इन पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में तेजी के साथ रामलला के गर्भगृह के पत्थरों की तराशी की जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 1990 से जो पत्थर रखे गए थे, अब उनका जो है इंतजार खत्म हुआ। अब आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं इन पत्थरों की नकाशी युद्ध स्तर पर चल रही है। ये पत्थर हैं वो 1990 से यहाँ पर रखे गए थे, जिनकी नकाशी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो पत्थर उन पत्थरों की निकासी लगातार चल रही है। ये जो आपको वर्कर्स दिख रहे हैं, ये लगातार ये यहाँ से आगरा और राजस्थान से आए हुए हैं, लगातार ये लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को अयोध्या आएंगे और साथ में ही भगवान श्री रामलला के गर्भगृह का पहला पत्थर रखकर आधारशिला रखेंगे और वहीं से ही गर्भगृह का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अयोध्या से के न्यूज के लिए अखंड प्रताप सिंह।